देन हेलो इज वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी कुछ 10-3 मिनट बाकी हैं, अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है और अभी निकल रहे हैं। मौसम देख लो, बाकी इतना कुछ खास दिखाने के लिए जरा सा लेट हो रहा है, तो देखता पड़ेगा मौसम देख लो। बहुत ही प्यारा मौसम और अभी निकलते लेट हो रहा है। आ चुके वहाँ से वापस, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, करंट बदल दे थोड़ी देर, बाकी यहाँ से जल्दी जल्दी भागे भागे निकले। वहाँ पे गए कुछ 10-15 तक वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन आज संडे है तो उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछले बार जब इतना जल्दी गए थे तो कोई भी नहीं था, बस डॉक्टर आए हुए थे और मेरे जाते नंबर आ गया, मतलब फिर अपनी और कोई था ही नहीं, तो 10 मिनट लेट हुआ। उतनी देर में 4 दिन पहले आके आगे बैठ चुके थे, तो टाइम लगा कुछ 10:50 या फिर 11 बजे अपना नंबर आया। तो उसके बाद हम अंदर गए, वैसे डॉक्टर भी लेट थे, अगर डॉक्टर लेट नहीं होते शायद अपने आगे 1 या 2 जन नहीं होते, तो डॉक्टर लेट थे और आशा जल्दी बहुत ज़्यादा थी या फिर काम इतना था, बस हल्का सा काम करके छोड़ दिया। आज के जो अंदर कैल्शियम भर रखा था उसको बाहर निकाला और उसके जगह कुछ और भरा है, वो ब्राउन नहीं ग्रे टाइप का कुछ भरा है। बीच में फोटो डाल दूंगा, मैं सब खोल के अपनी बता रहा हूँ। तो हाँ, क्या वो वहाँ पे गया तो मैं अपनी जो ये स्लिप है वो ले जाना भूल गया, तो उसी पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन अभी मतलब इस बार क्या होगा, कितनी सेटिंग्स हो चुकी है। तो बाद में यहाँ से फोटो भेजी तो वो बताई और उन्होंने देख के जो भी था, अपनी शायद फोर्थ अपॉइंटमेंट थी 23/19/3 और फोर्थ अपॉइंटमेंट थी, तो हो गया ठीक ठाक। उन्होंने बस वो खोद के, हर बार क्या करते हैं जो ऊपर कैल्शियम भर रहता है उसको बस ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे निकाल देता है, निकला नहीं वो थोड़ा मुश्किल से, तो पहले उसके ऊपर छेद किया काफी देर तक। तो जो मैंने तुम पहली बार बताया था कि हाँ वो फर्स्ट टाइम में धुआं निकला था अंदर से, उसी टाइप का फिर से निकला, क्योंकि पहले वो दांत भी कैल्शियम का ही था, ऊपर अभी भी कैल्शियम भरा हुआ था, तो वही सेम था धुआं, वही धुए का टेस्ट था बाकी। हाँ वो किया तो जो मैंने स्लिप खोल के दी थी वो डॉक्टर देख रहे थे इस चक्कर में, तब तक उन्होंने अंदर से खोदना स्टार्ट कर दिया। मैं चलो छोड़ो 5 मिनट बाद में, जब डॉक्टर बीच में ब्रेक ले गया फिर कुछ अपने हथियार चेंज कर रहे होंगे कि इसके ऊपर कुछ निप दूसरी लगाते हैं, जो हम लगा हुआ है तो निप दूसरी लगा, तब मांग लेंगे, तब तक मोबाइल और तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने निकाला बाहर अंदर से कैल्शियम और तब तक साइड में बोल दिया उसको अगला, वो जो भी लिक्विड अंदर डाल रहे हैं वो लिक्विड नहीं मतलब कि क्ले टाइप होता है तो अंदर डाल रहे हैं, तो उसको तैयार करने के लिए बोल दिया। बस इतना ही काम था, अगर मैंने वापस फोन मांगा ही नहीं और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बाकी पेन इस बार भी जीरो था, बिल्कुल पेन नहीं था और सॉरी और हाँ ये इसको दबा के ठीक से अंदर तक भर दिया, बाद में इसके ऊपर एक कॉटन रुई वो दिया और बोला मुंह बंद कर लो और 1 घंटे तक मुंह बंद रखना है, कुछ भी खाना और पीना नहीं है, उसके बाद में आप इस तरफ से खाना स्टार्ट कर देना धीरे धीरे। तो आज खाना खाया मैंने वहां से वापस आके, वहां से कुछ 10 बजे यहाँ से गया था, 11:10-11:15 में वापस आ गया और बाद में शायद 1 बजे के आसपास कुछ खाना खाया होगा। 12:30 तक वो मैंने अपने मुंह से बाहर निकाला रुई था वो, तो वो सब कुछ सही हो गया। बाद में खाना खाया, इतना कुछ ज्यादा दर्द नहीं है, मतलब दर्द क्या मतलब इस तरफ से खा रहे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बार बार खाना वापस इस तरफ ले रहे, आदत पड़ चुकी है दिनों में, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अभी मुंह भी आराम से बोल, जैसे पिछली बार क्या हुआ था इसको थोड़ा ज्यादा पड़ गया था, तो अभी इस बार वो वाली बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बराबर फिक्स भरा हुआ है और इस वजह से थोड़ा कलर ये लग रहा है, और इतना कुछ खास नहीं है। और उन्होंने बोला ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, तो उन्होंने जो भी उनकी फीस वीस थी वो सारी चीज़ ले ली, क्योंकि इसके बाद में कोई कोई ऊपर कैप लगवाता है, कैप लगवाना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं लगवाते, तो मैं सोच रहा लगा देंगे, तो बोल रहे हो कि 15 दिनों के बाद, कम से कम 15 दिनों के बाद में कैप लगी, तो 15 दिनों के बाद आज कुछ 6 तारीख तक, तो 20-21 तक जाएंगे। और मेरे को लगता है कि पहले आप जाकर कैब सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसी कैब के बाद बन के आएगी, ऐसा ही कुछ होगा, तो
आप जब पहले सेलेक्ट करने का तो 20 तारीख तक चले जाएंगे एक बार, मेरे हिसाब से सब होगा। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं स्लिप नहीं लेके गया था, तो वो पर्ची साथ में लेके जाना, बीच में अगर कभी जाएंगे तो उस टाइम उसमें एंट्री करवानी है। और मतलब जो फोर्थ अपॉइंटमेंट थी उसके बारे में कैसे क्या हुआ, और अभी उसी टाइम जाएंगे तो कैफे अब सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कुछ 2 4 दिन लगेगा उसको आने में तो देखते हैं। और बाकी हाँ, उधर इसकी फोटो दिखाते हैं, देख लो ये थी। और बाकी नॉर्मल है, खास रिकॉर्ड कर लेता, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती तो क्या, नहीं चलो गोली मारो क्या फर्क पड़ता है। तो अभी अगली अपॉइंटमेंट होगी तो मैं सर रिकॉर्ड करने के लिए कुछ होगा, लेकिन कैब जैसी भी होगी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, और वो सर अगला लास्ट होगा। और उसके बाद एक पूरा सी रिव्यू बना दीजिए, बाद में इसको डेंटिस्ट को गोली मारते हैं मतलब, तो इससे निकलते बाहर। बाकी आज के दिन काफी ठीक ठाक रहा, कल का वर्कआउट भी काफी अच्छा रहा, उसको छोड़ो अभी। बाकी अभी स्लो कॉइन का जैसे भी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स और सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और इतना कुछ खास नहीं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मम्मी शायद गौशाला गई है, हाँ गौशाला गई है, पापा गए कुछ काम से बाहर, भाई काम तो वैसे ही घूमने के लिए गया, दीदी बाहर खड़ी है, तो तब तक सोचा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर ले, सुबह से रिकॉर्ड नहीं किया, टाइम मिला नहीं। वो छत पे गए थे लेकिन छत पे कोई घूम रहा, तो छोड़ो उसको बाहर नीचे भेजे। बाकी बाकी तो कुछ खास नहीं, मिलते हैं लोग। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you